नाजरीन आदाब। उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं डॉक्टर अब्दुलरहमान फैसल आप सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा मौजू है प्रेमचंद का अफसाना कफन। ये आपके सिलेबस बीए यूजी यूआर 102 ब्लॉक 3 का यूनिट 10 है। उन्वान है प्रेमचंद का अफसाना कफन। प्रेमचंद उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत है। प्रेमचंद ने उर्दू नस्र में खुसूसन अफसानवी अदब, नावल, अफसाना और ड्रामा, इन तीनों असनाफ में जो खदमात दी हैं वो काबिल तारीफ और लायक सताइश है। सबसे पहले हम प्रेमचंद का तारुफ जानेंगे। प्रेमचंद कौन थे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और उनका तख्लीकी अहद क्या है, वो ज़माना क्या है जिस ज़माने में उन्होंने अदब तख्लीक किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रेमचंद के तारुफ के मुतालिक। तो मुंशी प्रेमचंद का असल नाम जो था वो धनपत राय था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के मुढ़वा लमही गांव में पैदा हुए। प्रेमचंद जिस खानदान में पैदा हुए वो खानदान कायस्थों का था और मुगलिया सल्तनत में ये खानदान मुंशीगिरी से मुतसिल था। प्रेमचंद के वालिद डाकखाने में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। वालिद के तबादले की वजह से गोरखपुर उनका दाखिला मिशन स्कूल में कराया गया, लेकिन जो इब्तदाई तालीम प्रेमचंद की हुई वो उनके घर पर हुई। जो उस ज़माने का रिवाज था कि शुरू में उर्दू, अरबी, फारसी की तालीम हासिल करते थे, प्रेमचंद ने भी मकतब में तालीम हासिल की। हालांकि उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी, प्रेमचंद ने 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान सेकंड डिवीज़न से पास किया। वालिद के इंतकाल के बाद सौतेली माँ और दो भाइयों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी। 1899 ईस्वी में स्कूल टीचर की हैसियत से 18 रुपये माहनामा पर उनका तकर्रुर हो गया। गोरखपुर के क़याम के दौरान प्रेमचंद ने अंग्रेज़ी नावल, दास्तानें, इब्तदाई नावल नगारों के बेशतर नावल पढ़ लिए, जिसकी वजह से फिक्शन की सूझबूझ जल्द ही उनके अंदर पैदा हो गई। प्रेमचंद ने अक्टूबर नवंबर 1910 ईस्वी तक नवाब राय और राय बनारसी के कलमी नामों से कहानियां लिखा करते थे। तो प्रेमचंद के कलमी नाम से पहले भी प्रेमचंद ने कहानियां लिखी जो इन दो नामों से, नवाब राय और राय बनारसी के कलमी नामों से लिखा करते थे। और नवाब राय जो कलमी नाम था उनका, ये उनके चचा ने दिया था। इसके बाद प्रेमचंद का कलमी नाम अख्तियार किया और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का इंतकाल हो जाता है। तो आप सब ने देखा कि ये प्रेमचंद का जो अहद है वो 1880 से लेकर के 1936 ईस्वी तक है, यानी 19वीं सदी और 20वीं सदी। इस दौर के हालात के मुतालिक आप सब जानते हैं कि ये दौर अफरा तफरी का दौर था, अंग्रेज़ों के मजालिम का दौर था, इस्तेमारी हुकूमत का दौर था जो हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाए हुए थी और ग़ुलाम जहनीत के तहत हिंदुस्तानियों पर इस्तेहसाल करती थी। प्रेमचंद की शख्सियत के मुतालिक भी थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राइटर या अफसाना निगार के मुतालिक कि उसने अपने अफसानों में किन मौजूआत को मुतय्यन किया है, कौन कौन से मौजूआत पर उसने कलम उठाए हैं, तो उसकी शख्सियत का परतो भी उसकी कहानियों में या उसके अदब पर, उसकी नसरी तख्लीक पर नज़र आता है। प्रेमचंद खुददार और बेरिया इंसान थे। ज़िंदगी से मुतालिक उनके कुछ उसूल आदर्श थे जिस पर उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। प्रेमचंद को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने उसूलों से प्यार था। खिदमत की लगन और फ़र्ज़ का एहसास रहा
वो बड़े फनकार और अदीब के साथ अजीम इंसान और आला अखलाकी सिफात के मालिक थे, जिसका अक्स हम उनकी कहानियों में देख सकते हैं। जिन मौजूआत को उन्होंने बरता है उनके मुतालिक पढ़कर और जानकर हम ये देख सकते हैं कि कितना इंसान दोस्त इंसान था, कितना अखलाकी कदरों का को पामाल नहीं होने देता था। तो ये तमाम सिफात उनके यहाँ मौजूद हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंद की तख्लीकी ज़िंदगी का जो ये दौर है 1880 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का दौर। इस अहद में प्रेमचंद ने नावल भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, अफसाने भी लिखे और इनके अलावा उन्होंने मजामीन कलमबंद किए, अखबार निकाले, मैगजीन निकाली। ये तमाम चीज़ें उनकी अदबी खिदमात, अदबी कारनामों में उनका जिक्र किया जा सकता है। प्रेमचंद की तख्लीकी ज़िंदगी का आगाज़ 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ही हो गया था। उनकी अदबी ज़िंदगी का दौरानिया 36 सालों पर मुहित है। तमाम उम्र न उनका कलम थका और न वो थके। अलालत में और बिस्तरे मर्ग पर, यानी जब मौत का वक्त भी था, उस वक्त भी प्रेमचंद का तख्लीकी सफ़र जारी रहा। और इस तरह उन्होंने अफसाने, नावल, ड्रामे, खतूत, अदारिये वगैरह की सूरत में काबिल ज़िक्र सरमाया छोड़ा है। प्रेमचंद ने कुल 12 नावल लिखे हैं, जिसमें अफराब मुआबिद, हम खिरमा व हम सवार, रूठी रानी, जलवा इसार, बाजार हुस्न, गोशे आफियत, चौगान हस्ती, निर्मला, गबन, मैदान अमल, पर्दे मजाज, गौदान और मंगलसूत्र है। इसी तरह आज हम उनके अफसाने का जिक्र करेंगे, एक अफसाने का मुताला करेंगे। तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि प्रेमचंद ने कुल कितने अफसानवी मजमूए तख्लीक किए हैं। तो प्रेमचंद के कुल 14 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें सोज़े वतन सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त भी कर लिया था। प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी जिल दोम, प्रेम बतीसी, प्रेम बतीसी जिल दोम, खाके परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, प्रेम चालीसी जिल्द अव्वल, प्रेम चालीसी जिल्द दोम, आखिरी तोहफा, ज़ादेराह, दूध की कीमत, वारदात और 3 ड्रामों के मजमूए शाये हुए, संग्राम, करबला, प्रेम की देवी। अब इसके बाद हम आते हैं कफन के मुताले पर कि अफसाना कफन का मुताला करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जाननी होगी कि कोई भी अफसाने में किस्सा क्या है, क्योंकि उसी किस्से से प्लॉट की तश्कील की जाती है। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि प्लॉट क्या है। मसलन 1 से 10 तक के वाक़यात ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 इसी सीक्वेंस में, और अगर इन्हीं सीक्वेंस को पलट दिया जाए और उससे कहानी बनाई जाए, तो जो सीक्वेंस तोड़ा जा रहा है कि 3, 2, 1, 4, गोया बयानिया में वक्त की तरतीब को, उसके धारे को तोड़ देता है मुसन्निफ अपने कहानी के मुताबिक, तो वो प्लाट होता है जो हम अफसाने की का मुताला करते हैं, उसका उसकी करत करते हैं। लेकिन जब हम कहानी का मुताला कर रहे होते हैं तो उसी दौरान एक कहानी जो है वो वक्त की तरतीब के साथ जिस तरह वो खारिज में वकू पजीर हुई है वो हमारे जहन पर कायम होती है। तो जो हिस्सा कायम होता है वो किस्सा कहलाता है और जो तश्कील दिया गया है अफसाने में वो प्लॉट कहलाता है। तो सबसे पहले हम कफन का खुलासा जानेंगे कि कफन में क्या कहानी है। तो कहानी यह है कि अफसाने की कहानी है कि 2 बाप बेटे घेसू और माधो, जो माशरे के मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, अपने घर के सामने अलाव जलाकर उसमें चोरी किया हुआ आलू भून कर खाने के लिए बैठे हुए हैं। माधो की बीवी बुधिया घेसू का बेटा है, जो इस अफसाने की तीसरी और मरकजी किरदार है, वो घर में दर्द जह में तड़प रही है। ये दोनों बाप बेटे उसकी दिलखराश चीखें सुनकर भी उसके पास इसलिए नहीं जाते हैं कि अगर एक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आलू निकाल कर खा ले। इसी तरह दोनों अलाव के पास बैठे बैठे सो जाते हैं और बुधिया घर में तड़पती कराहती हुई मर जाती है और उसका बच्चा भी वहीं मरा हुआ पड़ा रहता है। अब ये दोनों के दार घेसू और माधव उसी अलाव के पास बैठे बैठे सो जाते हैं और जब सुबह होती है और दोनों बुधिया को और उसके बच्चे को मरा हुआ पाते हैं तो इन्हें फिक्र लाहिक होती है कि अब इसका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो उसके लिए वो नाटक करते हैं
और ड्रामाई अंदाज में रोना धोना शुरू करते हैं। तो उनकी आवाजें सुनकर, रोने धोने की आवाजें सुनकर मोहल्ले के और पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो जाहिर है वो भी एक गरीब तबका है, मजदूर तबका है जो इकट्ठा होता है, उनकी तकलीफ में शामिल होते हैं और उन्हें देखते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं लेकिन वो पैसे नाकाफी होते हैं। तो ये दोनों बाप बेटे बुढ़िया को और उसके बच्चे को मरा हुआ छोड़कर गांव के जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार इन दोनों की काहली और कामचोर होने के सबब पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्हें कफन के लिए पैसे देता है। ये प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि जमींदार कफन के लिए उन्हें पैसे देता है। पैसे लेकर दोनों बाजार जाते हैं, शराब खाने में जाकर कफन के पैसों से खा पीकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुधिया और उसका बच्चा वहीं पड़ा रहता है। तो ये कहानी का, ये अफसाने की कहानी है, उसका किस्सा है। अब जाहिर है कि इन वाकयात को लाने के लिए प्रेमचंद ने किरदारों की तश्कील की है। तो जो सबसे पहले दो किरदार अफसाने में हमारे सामने आते हैं वो हैं घेसु और माधो की किरदार साजी। अब किरदार साजी के तीन अमल होते हैं। एक रावी का बयान होता है, जो कहानी बयान कर रहा है वो अपने बयान के जरिए उसकी तश्कील करता है। दूसरा उन किरदारों का अमल है, वो जो अमल करते हैं उनके जरिए उनकी किरदार साजी की जाती है। और तीसरा आपसी डायलॉग है, दो किरदार जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो उसके जरिए उनकी खसूसियात, उनकी शख्सियतें जाहिर होती हैं। अब यहाँ पर कुछ इक्तिबास हैं आपके सामने, जिनके मुताले से हम ये जान सकेंगे कि उन दोनों की तश्कील में प्रेमचंद का क्या कारनामा है। तो घेसु और माधव की किरदार साजी करते हुए प्रेमचंद ने इन दोनों किरदारों की काहिली, कामचोरी और बेहिसी को बड़ी फनकारी के साथ बयान किया है। प्रेमचंद लिखते हैं, चमारों का कुंभा था और सारे गांव में बदनाम घेसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता। इसी एक जुमले से ये जाहिर हो जाता है कि वो कितना काहिल और कामचोर है। माधव इतना कामचोर था, यानी घेसु का बेटा, कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। घर में मिट्टी के दो चार बर्तनों के सेवा कोई असासा नहीं थे, यानी वो गरीब भी थे, बेहद दर्जा गरीब थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए वो काम से जी चुराते थे। उसका भी एक सबब प्रेमचंद ने बताया है कि वो काम से जी इसलिए चुराते थे क्योंकि जो हमारे मुल्क का जो इस्तेमारी तबका था और जो जमींदाराना तबका था वो उनका इस्तेहसाल करता था, यानी उनके काम के बराबर उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। घर में मिट्टी के दो चार तीन बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं था। फटे चीथड़ों से अपनी ओरियानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मगर कोई गम नहीं। मटरिया आलू की फसल में खेतों से मटरिया आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते थे। और यहीं से इस कहानी का आगाज भी होता है। दोनों किरदारों की बेहसी का एक छोटा सा कोटेशन मुलाहिदा कीजिए, जा देख तुआ, जब वो दोनों भून कर खा रहे थे और वो बुधिया चीख रही थी, कराह रही थी, तो उसका बाप कहता है माधो से कि जा देख तू आ, लेकिन माधो जुझला कर कहता है, मरना है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती, देख कर क्या हूं। अब दूसरा किरदार बुधिया का है, बिल्कुल इन दोनों के अपोजिट, कि वो जब इस घर के अंदर आई, ब्याह कर आई, जहां गुर्बत ही गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद इस औरत ने खस्ताहाल और बेहसी की दुनिया में हल्की सी जान डाल दी। वो बेचारी दूसरों के घरों में पिसाई करके और घास छील कर दोनों बाप बेटे का पेट भरती थी। अफसाने का ये जुमला मुलाहिजा कीजिए, जब से ये औरत आई थी उसने खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। इस जुमले पर गौर कीजिएगा कि उसने खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। तो इस जुमले पर गौर कीजिए कि तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। गोया अफसाना निगार इस बात पर जोर दे रहा है कि औरत के आने से वही घर संभालती है, वही घर में तमद्दुन की बुनियाद रखती है, घर के लोगों को सजना संवारना, घर को साफ सुथराई से रखना,
ये तमाम चीज़ें औरत की ही मरहूने मिन्नत हैं। पिसाई करके घास छीलकर वो शेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती और दोनों बेगैरतों का दोजख भरती थी। दोजख भरती यानी उनका पेट भरती थी। इस इक्तबास के पहले जुमले को गौर से देखिए तो ये अंदाज़ा होता है कि पहले हमारे घर, उसके बाद हमारे समाज की तमद्दुन व तहजीब की बानी औरत हुआ करती है। औरत के दम से ज़िंदगी में जीनत है, इंतज़ाम है। औरत का इतना बड़ा एहतराम उर्दू के अफसानवी अदब में कम देखने को मिलता है, लेकिन ख़ुद उसके घर वालों के ज़रिए ही उसकी बेहुरमती पर अफसाना नगार का तंज इस अफसाने का मौजू है। वो उस पर तंज करता है क्योंकि ये दोनों किरदार जो घेसू और मादो हैं वो इसकी बेहुरमती करते हैं। उसकी इतनी मेहनतों के बावजूद जिसने इस घर को संवारा बनाया और उन्हें उनकी माशी ज़रूरियात को भी पूरा किया, खुद काम करती थी, पैसे लाती थी, उन्हें उनका पेट भरती थी, इसके बावजूद ये दोनों किरदार किस तरह उसकी बेहुरमती करते हैं। ये जुमला देखिए कि सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आँखें ऊपर टगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लतपत हो रहा था, उसके पेट में बच्चा मर गया था। अब किरदारों के मुताले के बाद हम देखते हैं कि इस अफसाने का मौजू क्या है, किन मौजूआत को प्रेमचंद ने इस अफसाने में समेटा है। तो कई मौजूआत हैं, सिर्फ एक नहीं है। सबसे पहला मौजू अगर हम देखते हैं तो मजदूर तबके का इस्तेहसाल है, ज़मींदाराना तबके का जबर है, और इसके अलावा भी इस अफसाने को कई नुक्ते नज़र से पढ़ा जा सकता है, जैसे भूख भी इस अफसाने का एक मौजू है। तो चंद मौजूआत की जानिब इशारा किया गया है इन अफसाने में कि किन किन मौजूआत को लेकर के प्रेमचंद ने इस अफसाने की तख्लीक की है। तो सबसे पहला मौजू अगर देखें तो मरकजी ख्याल यही है इस अफसाने का कि वो माशरती निज़ाम है जहाँ सब कुछ बेतरतीब बेमकसद, जिसकी वजह से एक बड़े और कमज़ोर तबके का मुसलसल इस्तेहसाल होता रहता है, और इस्तेहसाल के नतीजे में ये तबका और बड़ा होता जा रहा है, जो न सिर्फ मुफलिस कमज़ोर है बल्कि इस तबके का कोई यारो मददगार भी नहीं है। ये दरअसल उस ज़माने की उस अहद की तस्वीर कशी की गई है जिस ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ हाकिम थे और हिंदुस्तान का मजदूर एक बड़ा तबका, मजदूर तबका उनका ग़ुलाम था, और चूँकि उन्होंने अपने कारिंदे बिठा रखे थे जो हमारे यहाँ ज़मींदाराना तबके का निज़ाम था, उन्हीं के ज़रिए इन मज़दूरों का इस्तेहसाल किया जाता था। इसी तबकाती कश्मकश को अफसाने में प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। ये दरअसल उन मजहबी रसूम, माशरती रिवायात, खून के रिश्तों की अहमियत जहां सानवी होकर रह जाती है, कफन हर्द फर्द के लिए ज़रूरी है। लेकिन अफसाने में इस जुमले को लिख करके, तख्लीक करके अफसाना निगार ने उस पूरे माशरती निज़ाम पर चोट की है। इस तरह के बयानात घेसू और माधो के मुकालमात के ज़रिए सामने आते हैं। भूख की शिद्दत और इस शिद्दत के पेश नज़र गैर इंसानी सूरत हाल पेश करने के में प्रेमचंद ने अपने अफसाने में सतही और वजाहती इजहार से एहतजाज किया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने घेसू और माधो मुर्दा बुधिया के लिए कफन खरीदने के बजाय उन्हें उन रुपयों से पूरियां खाकर और शराब पीकर हैवानों की तरह बदमस्त होते देखकर ये साबित करने की कोशिश की है कि इंतहाई मुफलिसी और शदीद भूख की वजह से इंसान की इंसानियत किस तरह मर जाती है। यहाँ एक सवाल भी कायम होता है कि क्या वाकई दो शख्स ऐसे हैं जो काहिल और कामचोर हैं, लेकिन क्या उनके अंदर से इंसानी सिफात के वो तमाम जौहर जो किसी बीमार शख्स के ताल्लुक से या मजबूर शख्स के ताल्लुक से कायम होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, जिस तरह प्रेमचंद ने ये दिखाने की कोशिश की है, तो बज़ाहिर ऐसा नहीं है। एक मौजू जो इस अफसाने का और बन सकता है वो ये है कि जो प्रेमचंद ने अपने अफसाने की इब्तदाइया में हल करने की कोशिश की है तो ये इक्तबास मुलाहजा हो, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की ज़हनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। तो
तो गोया प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि वो तबका, मजदूर तबका, जो जमींदारों का और इस्तेमारी निज़ाम हुकूमत का जो है इस्तेसाल कर रहा है जो निज़ाम इन मजदूर तबकों का, तो क्या उनका इस तरह गैर अखलाकी हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन ये अफसाने की एक कमज़ोरी भी तसव्वुर की जा सकती है। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था और किसानों के तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आईन व आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे इस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। यही वो इक्तबास है जिसको सामने रखकर हमारे यहाँ इस अफसाने का मुताला तबकाती कश्मकश के तसव्वुर में किया गया। लेकिन इसके अलावा भी अफसाने का मुताला किया जा सकता है। मसलन मर्द असास मुआशरे को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है जो बुधिया के इस्तेहसाल को जाहिर करता है कि दरअसल ये दोनों बाप बेटे जो काहिल और कामचोर हैं लेकिन जो गैर इंसानी रवैया इनके अंदर पनप रहा है दरअसल वो उसी मर्द असास मुआशरे की देन है। इसके अलावा इस अफसाने में जो इन दोनों किरदारों की तस्वीर कशी की गई है, क्या वो लगता है कि ये हकीकी है? जबकि प्रेमचंद हकीकत निगारी के बहुत बड़े नुमायाँ अफसाना निगार हैं, उन्होंने इंसानी जिंदगी को हूबहू उसी तरह अपने अफसानों में पेश किया है जैसे वो खारिज में मौजूद थी। लेकिन इस अफसाने के किरदारों की तश्कील में प्रेमचंद ने जो गैर इंसानी रवैया दिखाया है वो बिल्कुल नुमायाँ हो गई है। ये दोनों बाप बेटे बेहसी बेज़मीरी और उनकी इंसानी पस्ती के हवाले से हिंदुस्तानी माशरे पर यकीन करने को कहा जा रहा है वो दरअसल हमारे माशरे की आम तो क्या नादिर व नायाब शनाख्त भी नहीं है। यानी क्या ये वही मजदूर हैं जिन्होंने बड़े बड़े अजायब हैं उनकी तामीर की, मसलन मुगलिया सल्तनत के ज़माने में या उससे पहले के ज़माने में जो हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, दूसरे तरह के जो हमारे ताजमहल है, लाल किला है, क्या इन सब की तामीर में यही मजदूर हैं? क्या इन्हीं मजदूरों को हिंदुस्तान की तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। तो इस अफसाने का एक मुताला ये इस तरह से इस नाहिये से भी किया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर आप लोगों को जो पढ़ना है वो इस अफसाने का किस्सा क्या है, इस अफसाने में कौन कौन से किरदार हैं, अफसाने की ज़बान कैसे इस्तेमाल हुई है। तो ज़बान किरदारों की जो ज़बान है, लोकल लैंग्वेज जो किरदारों की है, अफसाना नगार है जो हकीकत की तर्जुमानी करता है कि इंसानी ज़िंदगी को जैसे पेश किया गया है बिल्कुल हूबहू उसी तरह अफसाने में पेश किया जाए, उसके लिए किरदारों के वही मुकालमे तख्लीक किए जाते हैं जो उनकी आम बोलचाल की ज़बान होती है। रावी की ज़बान मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि रावी अफसाना नगार तश्कील देता है और अफसाना निगार की जो ज़बान होती है वो रावी की भी ज़बान हो सकती है। इसलिए रावी की ज़बान और किरदारों की ज़बान में हमेशा एक फ़र्क रखा जाएगा। ज़बान बयान के हवाले से भी सादा सलीस बयानिए का इस्तेमाल हुआ है, बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं इस अफसाने के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने इस अफसाने में के कोटेशंस आपने देखे हैं, यहाँ पर जो कोटेशंस दिए गए कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, आम और सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह ये कहानी तीन एक पूरे मजदूर तबके को सामने रख कर के उनकी बेहसी, उनकी कामचोरी और बुधिया के इस्तेहसाल का, एक औरत ज़ात के इस्तेहसाल को मौजू बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।